जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, पर आप लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना और 10,000 लाइक्स तक पहुंचा देना। लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करना है तो पहले एक कंटेनर में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच हल्दी लेकर मिक्स कर लो अच्छे से। अब इस कंटेनर को बाथरूम में रख दो। सुबह उठ के थोड़ा सा हाथ में ले लो और इसमें पानी ऐड करके मिक्स कर लो। फिर फेस पे अप्लाई करो। इससे आपके फेस से एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाएगा और जो भी गंदगी है सब निकल जाएगा। इसे 2 मिनट मसाज करके धो लो। अब हम बनाएंगे टोनर, क्योंकि टोनर ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। हाँ, टोनर तो है मेरे पास। अरे मेरे दिमाग मत था, ओपन पोर्स के लिए खास टोनर बनाना पड़ेगा। ओ, इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल। अब बॉटल का आधा हिस्सा एप्पल साइडर विनेगर और बाकी आधे में पानी डाल दो और शेक कर लो। अब इस टोनर को क्लींजिंग हो जाने के बाद स्प्रे करो और डैब डैब करो। इससे आपके स्किन पोर्स टाइटन होगा और ये ओपन स्किन पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। क्लींजिंग टोनिंग तो मैं कर सकती हूँ, आसानी है, पर और कुछ नहीं कर सकती, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है मेरे पास, सुन तो ले पहले। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में बनाना तो खाती ही है, तो उसका छिलका मत फेंक। बनाना पील के ऊपर कुछ बूंद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर फेस पे मसाज कर 10 से 15 मिनट तक। हर रोज नहीं, बस वीक में 4 दिन ही करना है। बनाना पील के रेगुलर एप्लीकेशन से स्किन रिजुविनेट होकर बहुत ग्लोइंग हो जाएगा और पोर्स तो हमेशा के लिए टाइटन बन जाएगा। अगर तू बनाना पील नहीं लगाना चाहती तो घर पे क्यूकम्बर तो है ना? हाँ वो तो है। क्यूकम्बर तो पोर्स को टाइटन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। बस दो क्यूकम्बर स्लाइस के ऊपर इस तरह स्क्रैच करके कुछ बूंद नींबू का रस डाल दो। अब इसे फेस मसाज करो 10 मिनट तक। देखो, ना ही किसी का रस निकलना है और ना ही कोई रेमेडी बनानी है। ये करना तो बहुत ही आसान है। ये पोर्स को मिनिमाइज करने के साथ ही साथ स्किन एजिंग को भी दूर रखता है। अब देख, तुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? किचन में तो टोमेटो रखा ही होगा, जा उसे लेकर आ। ठीक है, ले आई। अब इसका पल्प निकाल ले। ओ, बस ऐसे दबा दबा के टोमेटो पल्प निकल कर इसमें मिला ले 1 चम्मच हनी। मिक्स कर ले, बस तेरा पैक रेडी। इतना आसान था? हाँ, अब इसे लगा ले और 15 मिनट के लिए छोड़ दे। ये स्किन के नेचुरल ऑयल को बैलेंस करके पोर्स को टाइटन बना देगा। 15 मिनट बाद पानी से धो ले। अच्छा, तू मॉइस्चराइजर लगाती तो है ना? मॉइस्चराइजर नहीं, नहीं मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाती। मेरी स्किन पहले से ही ऑयली है और मॉइस्चराइजर लगाने से और भी ऑयली हो जाएगा। अबे एप्पल के दुश्मन, मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, पर मॉइस्चराइजर स्पेशल और ऑयल फ्री होनी चाहिए। देख पहले, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 चम्मच टर्मरिक और कुछ बूंद ऑलिव ऑयल लेकर मिक्स कर लो अच्छे से। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसे लेकर रात को सोने से पहले लगा लो। ये स्किन पोर्स मिनिमाइज भी करेगा और स्किन को इतना फेयर और ग्लोइंग बना देगा ना कि बस दूसरे दिन सुबह ही चेंजेस नोटिस कर पाओगे। इसे लगा के आराम से सो जाओ। अपर्णा, मैं निकल रही हूँ। किधर चली तू, किधर चली? कॉलेज में। सनस्क्रीन वो तो आज मैं भूल गई। फिर तो तेरा हो गया। क्या? देख, बाहर जाने के 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन जरूर लगा लेना। धूप में जाने से स्किन के अंदर की ऑयल गर्म हो जाता है और स्किन डैमेज हो जाता है, साथ ही ओपन पोर्स के प्रॉब्लम भी स्टार्ट होता है। तो बाहर जाते वक्त कभी भी सनस्क्रीन लगाना मत भूलना और सनस्क्रीन लगाने के बाद स्कर्फ से चेहरे को ढक के फिर बाहर जाओ। अगर इन ट्रिक्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर होकर स्किन पे बस ग्लो ही ग्लो आ जाएगा। अरे अपन देखना, बस एक ही दिन में मेरे लार्ज ओपन पोर्स कितना मिनिमाइज हो गया है। अब धूल मिट्टी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर मैं तो तेरे लिए तौबा भी लेने आया हूं। मुझे अपनी मम्मी से ले। पर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब भी।